नमस्कार टॉप 585 को आपण मानको स्वागत करूछि मु बंदिता। प्रथम खबर को आसीबा देशरे चिंता बढ़ाउछि महामारी कोरोना दिन करे रेकॉर्ड 18552 पॉजिटिव चिन्हट सह 5 लाख टपी सारिछि संक्रमितक संख्या। देशरे आक्रांतक संख्या 5,08,953 रे पहुंचिया बेले आउ 384 जण आखि बुझिछन्ति। एथिसह देशरे कोरोना मृत्यु संख्या 15,685 कु वृद्धि पाइछि। सेपटे महाराष्ट्र और दिल्ली रे स्थिति लगातार संगीन रहिछि। महाराष्ट्र रे 175 जण मृत्यु रिपोर्ट आसीथिबा बेले दिनकरे 5,024 पॉजिटिव चिन्हट होइछन्ति। एथिसह राज्य रे आक्रांतक संख्या 1.5 लाख और मृतकक संख्या 7,000 पार करिछि। सेभळि दिल्ली रे मृत्यु संख्या 2,492 और आक्रांतक संख्या 77,000 टपिछि। तमिलनाडु गुजरात और उत्तर प्रदेश रे मध्य चिंताजनक स्थिति। अन्यपटे राज्य में आउ 184 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होती। गंजामु सर्वाधिक 48, खोर्धार 45, बालेश्वर 31, गजपति 12, भद्रक 10 जन आक्रांत सुस्थ हो घर को फेरी। राज्य में मोट सुस्थ आक्रांत संख्या 4,606 को वृद्धि पाई। से राज्य में कोरोना नहीं एक जीवन। गंजाम आउ जे कोरोना आक्रांत मृत्यु हो राज्य एजाए कोरोना 18 जन जीवन नहीं सारा। सेपटे राज्य में आज 14 जिलूर आउ 170 नुआ कोरोना संक्रमित चिन्हट होती। 143 जन क्वारंटाइन सेन्टर बाहरी बेले 27 जन होती लोकल। गंजामु सर्वाधिक 58 जन या बेले नवरंगपुर खोर्धार 19 जन लेखाएं चिन्हट होती। सेपटे राज्य में मोट आक्रांत संख्या 6,350 पहुंची सारी। एनेकि सीधासळख आलोचना करिबा जीवा कोरोना वाल सम्मुख को सेठे अछंती मो सहयोगी रश्मिता दास। रश्मिता, वर्तमान देश एवं राज्यर जेमिति कोरोना रे परिस्थिति दिनक दिन भयंकर रूप नेबार लागिछि, कोन केमति वाल डिटेक्ट करूछि, कोन केमति रहूछि वर्तमान देश एवं राज्यर स्थिति? निश्चित भाव बंदिता, जदि कहो तेज देश में वर्तमान जो प्रकार कोरोनार स्थिति रही देखा मिलूँ यहाँ गोटे चिंतार विषय है। कहीं वर्तमान सुधा 5 लाख अधिक कोरोना पॉजिटिव संख्या देश में चिन्हट है। मुझे सीधा साल कोरोना वॉल रु देखेबी ये आप देखिपुट वर्तमान जो एक्जाक्ट फिगर जदि आम कह जोटा कि बर्तमान देश रही हूँ 5,08,953 एति वर्तमान पॉजिटिव संख्या एवं देश में रही। 24 घंटा भितर जदि कह तेज 18,552 केस मात्र 24 घंटा भितर आकि एक रेकर्ड मध्य रही। दिनक दिन कोरोना संख्या पॉजिटिव संख्या मध्य बढ़ुची। एक्टिव केसेस आड़क जदि आसवा तेज देखिपुट टोटल होती एक्टिव केसेस देश में 1,97,387 संख्या रही टोटल एक्टिव केसेस। 24 घंटा भितर जदि आम कह तेज 7,924 पेसेंट एवं आक्टिव अच्छा जोटा कि 24 घंटार रेकर्ड रोचे जहाँ कहु रिकवर्ड केस जहाँ को आम कहे सुस्थ जदि आम देखा तेज निश्चित भाव यहाँ आक्टिव केसेस तुलन बेस भल रही 2,95,580 रही रिकवर्ड संख्या। और जदि 24 घंटा भितर देखा तेज 10,244 संख्या 44 केसेस रही जोटा कि लोक मैंने सुस्थ होती कहींपर से प्रकार जदि डेथ तुलना देखा तेज 15,685 वर्तमान सुधा मृत्यु हो सारी कोरोनारु। 24 घंटा भितर जदि कह तेज 384 लोकंर मृत्यु घटी कोरोना कोविड पॉजिटिव सकाशे। से ही तुलना जदि आम मोर्टालिटी रेट कह तेज 3.1% हूँ मोर्टालिटी रेट। निश्चित भाव कहींपर जी संख्या रही तुलन में 3.1 मोर्टालिटी रेट तो भल रही। रिकवरी रेट मध्य देश में बेस भल रही 58.1% रिकवरी रेट रही। आपको सीधा सड़क आज जो देखा चाहूँगी ताकि जदि आम विश्व कथा कह जो 5 लाख अधिक एवं कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़िले तेज विश्व में जदि देखा मोट 4 रही 4 देश रही जो 5 लाख अधिक कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ी जो आप देखिपुट इंडिया भारत रही रशिया रही ब्राजिल अच्छी यूएसए अच्छी ये जो संख्या आप देखुं ये गोटे 149 नंबर लिखा जाए जहाँ को स्पष्टीकरण भाव में कहु जदि 149 डेज भितर
जरिए भारत में 5 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंची सारी मात्र 149 डेज दिन भितर से तुलना जदि आम कह तेबे ब्राजिल रे 132 दिन भितर 5 लाख संख्या टपिला कोरोना पॉजिटिव केसेस रशिया रे 126 दिन भितर 5 लाख आसिलानी एवं यूएसए जहाँ स्थिति समस्त जानते बेस खराब रही है सेठी मात्र 81 दिन में 5 लाख कोरोना पॉजिटिव टपिलानी तेबे जदि आम रोड मैप कहिबा भारत चित्र को जदि आम आसवा और रोड मैप संपूर्ण भाव जदि देखा तेज प्रथम केस जब आसी भारत में ताला 30 जनवरी को प्रथम केस आसी मात्र गोटे केस आसी जहाँकि 5000 पर्यटन पहुँचापी मात्र 69 डेज भितर एप्रिल 8 तारीख में यह 5000 को पहुँचला 5000 पर यह 50000 वृद्धि है मात्र 29 दिन 29 डेज भितर यह पुणी 5000 50000 को ऊपर को टपिगला कोरोना पॉजिटिव जहाँकि 7 मे 7 तारीख में यही डाटाटी आसी जदि देखा 27 जून आज दिन में जदि कह तेज 5 लाख अधिक कोरोना पॉजिटिव लोकों संख्या रही जहाँकि मात्र 7 मे 27 जून पर्यंत जदि देखिए मात्र 51 दिन में 50000 5 लाख कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ी जाइए तो निश्चित भाव जमी देश में रही कोरोना पॉजिटिव संख्या वृद्धि पाँच जदि आम कह 2.5 लाख डबल कथा जदि कह तेज देखिपुट जो डबल हबार स्थित रही है जो लिखाई डेज टू डबल फ्रम 2,50,000 रु 5 लाख पर्यटन तो ये देखिपे बर्तमान जो स्थित रही 2.5 लाख रु 5 लाख जो डबल होता केत दिन प्रथम देखा जाए रशिया जो मात्र 28 दिन में 2.5 लाख रु 5 लाख डबल हो जाए तापर रही भारत जोटि की 19 दिन में 2.5 लाख रु 5 लाख को वृद्धि करी माने कही परिबा डबल होई से प्रकार ब्राजिल रे मात्र 13 दिन में ही 2.5 लाख रु 5 लाख पर्यंत कोरोना पॉजिटिव लोकंकर संख्या देखा मिली एवं यूएसए जमी कहला आगु यूएसए संख्या बेस अधिक गुरुत्वपूर्ण स्थित रही यूएसए से 8 दिन में मात्र 2.5 लाख रु 5 लाख हो जाए तेज कही पार 19 दिन में 2.5 लाख रु 5 लाख हवाटा निश्चित भाव यहाँ देश भी एक चिंताजनक स्थित रही तेबे देश रे जो प्रकार स्थिति रही आम जदि कह तेबे एतरे गोटे प्रकार रही जमी रिकवरी रेट जहाँ कुआ जाउची भारत रे रिकवरी रेट मध्ये बेस भल रही आपको रिकवरी चार्ट जदि देखेबी तेबे 18 जून रु 27 जून पर्यंत जदि रिकवरी चार्ट आम देखा ये स्पष्ट भाव में जना पड़ू जे देश रे रिकवरी चार्ट बेस भल रही प्रथम 18 जून रे जदि देखा जिवो तेबे 53% लोक माने सुस्थ होती जहाँ को आम रिकवरी चार्ट कौचु एवं यही चार्टा धीरे धीरे वृद्धि कि जदि 27 जून को आसवे तेज 27 जून रे देखो ग्राफ्टा 58.1% रही जहाँ को निश्चित भाव आम कहीपर जे जी तुलन संख्या बढ़ुची कोरोना पॉजिटिव ताठू अधिक तुलन लोक सुस्थ हो जो 58.1% देखिए आम रिकवरी रेट देश में बेस भल रही जी संख्यार आसूँ मुझे पुणी थे नहीं जाऊँ जो चार्ट को ये आप देखिपुट टोटाल जी संख्या रही आक्टिव केसेस जदि आम रही 1,97,000 जदि रही कहींपर पखापाखि 2 लाख पर्यंत जदि रही तेज सुस्थ बेस भल रही तो रिकवरी रेट कंपैरेटिवली बेस भल रही बंदिता बिल्कुल जो हिसाब से संक्रमित होती टी भल रही जो माने सुस्थ हो घर को फेरुंच किंतु चिंतार विषय वर्तमान जेहेतु महाराष्ट्र में संगीन धीरे धीरे स्थिति होगाक लगी संक्रमित संख्या बढ़िवार लगी अंपटे मृत्यु संख्या और संक्रमित संख्या दिनकू दिन बढ़िवार लगी धन्यवाद रश्मिता सविशेष आलोचना लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 सह अनलॉक 1 परे कोविड 19 रो मुकाबला रे कौन हेबो परवर्ती सरकारंकर निष्पत्ति परवर्ती समय रे सरकारी स्तर रे कौन सब निष्पत्ति निया जीवो एवं लॉकडाउन रो अवधि आउ थरे बढ़ा जीवो की ना सरकार अनलॉक 2 घोषणा करी पारंती ए नै कि चर्चा एबे जोर सेपटे सारा देश रे काय विस्तार करी चली छी कोरोना दिनकु दिन बढ़िबार लागी छी संक्रमण संख्या देश में कोरोना पॉजिटिव सक्रिय केस 38.8% थिबा बेले सुस्थ हार रही 51.1% देश में प्रति 7 दिन में डबल होउची संक्रमण से परे ओडिसा रे भी कोरोना संक्रमण हार द्रुत गति रे बढ़िबार लगी कहा जाउची कि कोरोना संक्रमण जुलाई मास रे सबुठ अधिक रहिबो तेणु मुकाबला पई डाक्टर को ठारो आरंभ करी विशेषज्ञ मत जे लॉकडाउन अवधि वृद्धि करा जाउ आसंता जून 30 रे सरुची अनलॉक 1 रो अवधि तेबे सबु निष्पत्ति एबे सरकारक ऊपर रहिछि तो आम थर्ड स्टेज को जाऊे
तार तो कौन से ड्रपलेट गुड़ा लोक जो मुखा यूज करना मास्क यूज करना एगुटा सब घूरी बुलू आम जी सटडाउन कि लकडाउन रियम को कोहल करदे या ये मात्रा व्यापी जीव आम कंट्रोल करें तेणु बर्तमान जो चली बलवत्तर रहा उचित सरकार सटडाउन करूँ कि न करूँ आम मेन्टाली आमर जनता आम लोक मैंने मेन्टाली सटडाउन रहा दरकार या आमे बिना पर्पस रे बिना कारण रे बिना वजह रे बाहर जीवानी आमको देखा पड़ो जे आमे लोकों को काम करा को प्रोत्साहन करवा आउ सटडाउन भी करवा कारण लॉकडाउन रे के मानिमे कारण लोक मेंटली प्रिपेयर्ड हो गले आउ लॉकडाउन रे किसी वैल्यू नाही जो आकार रे बढ़ी बढ़ी चली एटा गोटे शंका एवं समस्त आशंका जे या जब पूरा खोली दिया जीव ये जो आकार रे बढ़ुची आउरी व्यापक भाव रे हिजबो लॉकडाउन संगे रे टेस्टिंग टाको जदी बढ़े दिया जीव तबे लोक जानि परिबे किए प्रभावित नो टॉप 3 खबर को आसीबा कोरोना सह संघर्ष करूथिबा राजधानी दिल्लीवासी को पई एबे आउ एक समस्या मुंड टेकिछि राजस्थान रे जासी को पई आतक पालटथिबा पंगपाळ एबे दिल्ली एनसीआर अधीन रे आसीबा गुरुग्राम रे पहुंची जाइछंती गुरुग्राम रो भीमगढ़ खेड़ी राजेन्द्र पार्क सूरतनगर लक्ष्मण विहार दौलतबाग फ्लाईओवर निकट रे पंगपाळ दल को दौरात्म्य देखिबा को मिलुछि कृषि क्षेत्र उपरे घुरी बुलुथिबा पंगपाळंकु देखि चिंतित कृषक माने सेमानंकु घोडाइबा उद्यमरे लागि पडिछंती आज पंगपाळ माने सहरचळरे पहुंची जाइछंती चासी माने बाण फुटाई टीणो डबा बजाई धुआं करि पंगपाळंकु घोडाइबाकु चेष्टा करुछंती गुरुग्राम रो साइबर सिटी रे पंगपाळंकु नै लोके व्यतिबस्त साधारण लोके टाळी बजाई उच्च शब्द करि पंगपाळंकु घोडाउछंती एवं जोरे पवन बहुथिबारु पंगपाळंकु गति मध्य अधिक बढ़ी जाइछि दिल्ली को लागिथिबा सोनीपत जिल्ला रे चासी मानंकु अलर्ट कर देछि प्रशासन दिल्ली पाखर देखा जाउथिबा ए पंगपाळंक दल रे प्राय 60 लाख पंगपाळ अछंती पंगपाळंक एई दल आकाश रे 10 किलोमीटर लंबा एवं 6 किलोमीटर चौड़ा आकार करी उड़ी उड़ी जाउछंती एनेक अधिक आलोचना सीधा सड़क जावा आम नूआदिल्ली प्रतिनिधि शंकर आनंद के निकट को शंकर जी जाना चाहते हैं अभी टिड्डियों का ये जो दल आ रहा है और गुरुग्राम को क्रॉस करने का जो सूचना मिल रहा है अभी उनका एग्जैक्ट स्थिति कहाँ है कहाँ पर है अभी ये दल देखिए अगर टिड्डियों की अगर बात करें तो गुरुग्राम जो है गुरुग्राम इलाके में आज सुबह में ये टिड्डियों का दल वहाँ पहुँच गया था वो पूरा झुंड वहाँ पहुँचा उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उस इलाके में विशेष तौर पर जो कई खेतों में विशेष रसायन का छिड़काव किया गया जिससे कि टिड्डियों को वहां से भगाया जा सके और इसके साथ ही मामले को लेकर काफी महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी खास तौर पर कृषि वैज्ञानिक और जो अन्य जो दिल्ली के जो मंत्री हैं कई वो बकायदा इस मामले में बैठक कर रहे थे दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने एक विशेष तौर पर एक मीटिंग किया जिसमें कि बकायदा इस मामले पर फैसला लिया गया कि किस तरह से राजधानी दिल्ली और आसपास के जो इलाके हैं वहां से टिड्डियों को दूर भगाया जा सके क्योंकि इन टिड्डियों की वजह से काफी फसलों को नुकसान हो सकता है और ये टिड्डी जो है बड़े बड़े झुंड में ये धीरे धीरे दिल्ली एनसीआर में पहुंच चुके हैं तो इन मामलों पर राजधानी दिल्ली सहित जो एनसीआर का इलाका है खासतौर पर हरियाणा और दूसरे राज्य हैं उत्तर प्रदेश पखाला वहां पर विशेष तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जो एयरपोर्ट है एयरपोर्ट के आसपास में भी खास तौर पर नजर रखा जा रहा है इन टिड्डियों के दल पर कि अगर एयरपोर्ट के आसपास इन टिड्डियों का दल आता है तो उसे जल्द से जल्द वहां से हटाया जाए नहीं तो ये एयरपोर्ट में अगर प्रवेश करते हैं या उसके एयरपोर्ट के आसपास में अंदर आते हैं तो एक बड़ा मामला हो सकता है। लिहाजा इन तमाम मामलों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में खासतौर पर इन टिड्डियों पर नजर रखा जा रहा है और इसके साथ ही खेत खलियानों में विशेष तरह के केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और इसके साथ ही कई तरह के और भी अलर्ट जारी किए जा रहे हैं कि जैसे ढोल बजाना और डीजे बजाना तो इस तरह के भी व्यवस्था की जा रही है कि अगर जो टिड्डी आते हैं तो उसको जल्द से जल्द यहां से हटाया जा सके। एक तरह से कहा जा सकता है कि टिड्डियों का आतंक अब राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी काफी देखने को मिल रहा है लिहाजा इसी बात को लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। तो शंकर जी मतलब नॉर्मल जो पीपल हैं उनको छोड़ के साधारण लोग को छोड़ के वो जो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्पेशल गाइडलाइन जारी किया गया है क्या इसको लेके? निश्चित तौर पर देखिए इस गाइडलाइन को लेकर अभी काफी महत्वपूर्ण बैठक अभी भी चल रही थी थोड़ी देर पहले तक और वो गाइडलाइन तो इतना स्पष्ट है कि टिड्डी को अगर देखा जाए तो टिड्डियों के दल को भगाने के लिए किस तरह से व्यवस्था किया जाए। तो इस मामले में पहले भी एक कमेटी जो है बकायदा कई जो गाइडलाइंस को बना करके दिल्ली सरकार को दिया गया था और दिल्ली सरकार इस मामले पर चर्चा कर रही थी किस तरह से इसको इंप्लीमेंट करना है और अब
दिल्ली के अंदर में कई जो फार्म हाउस इलाके हैं जो गुड़गांव से सटे हुए हैं, जो यानी कि हरियाणा से सटे हुए जो बॉर्डर इलाके हैं, तो वहां पर उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वहां पर कोशिश की जा रही है कि कुछ ऐसा वहां पे हरकत किया जाए जिसके चलते से उन टिड्डियों को बाहर भगाया जा सके। तो अभी फिलहाल दिल्ली में बहुत ज्यादा आतंक नहीं देखा जा रहा है टिड्डियों का, लेकिन उस तमाम मामलों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। और खासतौर पर जो जो एयरपोर्ट का इलाका है या एयरपोर्ट से सटे हुए जो इलाके हैं वहां पर विशेष तौर पर नजर रखा जा रहा है। और दिल्ली से सटे हुए जो NCR इलाका है जहां पर खेत खलिहान फसल काफी है, वहां पर विशेष तौर पर किसानों को पहले ही अलर्ट किया गया था और आज विशेष तौर पर वहां पर अलर्ट किया गया है। वहां के से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको विशेष तौर पर अलर्ट किया गया है कि टिड्डियों से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और जो गाइडलाइंस में इस तमाम मामलों पर विशेष तौर पर चर्चा की गई है। बिल्कुल, और जैसा इन्फॉर्मेशन पहले था शंकर जी कि हवा को लेके, हवा का रुख को लेके अभी उनका जो स्पीड है वो काफी बढ़ गया है, इसीलिए पहले जो बस बोला जा रहा था अभी उनका स्पीड उसी हिसाब से इंक्रीज भी हो गया है, उसको मद्देनजर रखते हुए अभी किस दिशा में बोलो मतलब वो दल जा रहा है? देखिए आज शनिवार का दिन है, शनिवार के दिन में ज्यादातर जो मंत्रियों का जो दफ्तर है वो बंद होता है, ज्यादातर सरकारी दफ्तर बंद होते हैं, लेकिन इन टिड्डियों के आवागमन के ध्यान में रखते हुए टिड्डियों के दिल्ली में प्रवेश करने को लेकर आज काफी महत्वपूर्ण बैठक कई जगहों पे किया गया। कई जगहों पर वैज्ञानिक आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं, जो नेता हैं आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं और अधिकारियों के संपर्क में हैं और उन हवाओं के रुख का भी उस पर भी नजर रखे हुए हैं और इसके साथ साथ जो टिड्डियों के दल पर किस तरह से कार्रवाई किया जा सकता है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है और किस तरह से दिल्ली NCR से दूर भगाया जा सकता है, इस मामले पर चर्चा हो रही है। और इसके लिए विशेष तौर पर कृषि वैज्ञानिकों को भी विशेष तौर पर जानकारी उनसे ली जा रही है और उसके बाद किसानों को इस मामले की जानकारी दी जा रही है, उसको अवगत कराया जा रहा है और तमाम जो सिविक एजेंसियां हैं उसको जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से इन टिड्डियों को लगाम लगाया जाए, किस तरह से उसे दूर भगाया जाए, इस मामले पर कार्रवाई चल रही है। और दिल्ली में भी आज जो महत्वपूर्ण बैठक हुई है उस बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि टिड्डियों पर जल्द से जल्द लगाम लगाया जाए जिससे कि राजधानी दिल्ली या आसपास का जो इलाका है वहां पर कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं हो सके। अगर बात करें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान या दूसरे अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरह से टिड्डियों ने एक आतंक मचाते हुए बिल्कुल ज्यादा जैसे नुकसान ना हो दिल्ली में उसको अभी प्रयास किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उनको कैसे रोका जाए टिड्डियों को। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी तमाम जानकारियों के लिए। आज पवित्र हेरा पंचमी श्रीगुंडीचा मंदिर को विजय करिबे महालक्ष्मी। संध्या श्रीमंदिर गुंडीचा मंदिर अभिमुखे बाहर महालक्ष्मी पटुआर नंदीघोष रथ पछपटे पहुंचा पर महालक्ष्मी को प्रसाद लागि कर्पूर आलती सह बंदापना। यापर महालक्ष्मी जय विजय द्वार निकट को जिबे सेठारे पहुंचा बेलू महाप्रभु आलती चली आलती शेष होबे महाप्रभु आज्ञामाला महालक्ष्मी को प्रदान होपर द्वार बंद हो महाप्रभु दर्शन नपाई महालक्ष्मी फेरवा बेले रागरे नंदीघोष रथ को भांगी आनंद बजार दे श्रीमंदिर को प्रवेश करे। महाप्रभु यह खबर पाइबा पर बाहुड़ा जात्रा पर आदेश देते यापर सेवायत मैंने बाहुड़ा जात्रा प्रस्तुति में लगि पड़े आसंता काली तीन रथर दक्षिण मोड़ कर अधिक तथ्य पाई सीधासलख जा श्रीक्षेत्र प्रतिनिधि अक्षय मिश्र निकट को। अक्षय महाप्रभु आज विशेष नीति अच्छी माँ राग गरगर हो आसबे और हेरा पंचमी नीति संपादन करेंगे केतबेले संपादित हो नीति देखो जदि कह मध्यान धूप सरी श्रीगुंडीचा मंडप किस समय पर संध्या धूप बस संध्या धूप सरवापर जो संध्या धूप डक श्रीगुंडीचा मंदिर सेपटे महालक्ष्मी बाहर पालिकी बाहर श्रीमंदिर से ही समय सीधासलख हेरागुर साइड पहुँचे और देखा चाहिए से बड़दान दृश्य और से संपूर्ण बड़दान लोकारण्य होता है कि बिना भक्त करा जेहेतु बड़दान जनशून्य रही है
एवं महालक्ष्मी सीधा पहुँचा पर पति महापत्र बंदापना मणई रथ उपर करे से राजनीति करय जो भाव में महिला मैंने रही था कारण से हुड़ी ध्वनि पंकपित करता रथ चतुर्पार्श्व कि भक्तों कटकणा हेतु संपूर्ण फांका रहीपर से मंदिर भितर प्रवेश करेंगे से संध्याधूप टेरा पड़ू और द्वार फाड़े बंद हो समय अधा दर्शन कर महालक्ष्मी राग जर्जित हो फेरबे और से समय फेरला नंदीघोष रथर गोटे अंश भांगी दे पलैबे एवं ये हूँ परंपरा रही महाप्रभु हेरा पंचमी परंपरा एवं यही परंपरा परे ही महालक्ष्मी ये जो राग जो फेरबे सेपटे महाप्रभु आज्ञा देवे कि बाहुड़ा जात प्रस्तुत हूँ एवं तापर आसंता काली महाप्रभुंर हम दक्षिण मोड़ नीति से कह तेब आज रथ निर्माण तदारख कमिटी पक्ष रथ को जांच कराई कौ कौ रथ का समस्या थी तार स्पष्ट अनुधान कर किसी रथ आवश्यक मरामती आज आसंता काली तीन रथर हे दक्षिण मोड़ एवं जो परंपरा रही प्रथम देवी सुभद्रा रथ टणा तापर बलभद्र तालज रथ टणा शेष नंदीघोष रथ टणा रथ टणा जो नाकचणा द्वार रही श्रीगुंडीचा मंदिर से नाकचणा द्वारपटे से रथ को रखा एवं यही नीति संपादन समय जमी आज पति महापात्र कहते कारण जी के नीति संपादन करती से कहते जेहेतु भक्त नहांती तो से महालक्ष्मी निकट आराधना करेंगे किभली भाव में संसार करोना मुक्त हो तेणु से नहीं सेवायत मैंने अत्यंत उत्साह सहकार कार्य कर समस्त गोटे चैलेंज था रथ यात्रा तेणु से ही अनुसार से आज नीति संपादन करेंगे जहाँ कह तेबे आठटा समय ही जो महालक्ष्मी विजय करेंगे कारण श्री गुंडीचा मंदिर भितर भक्त नीति सरल हो प्रतिदिन श्रीगुंडीचा मंदिर नीति संध्या छटू सतटा भितर संध्याधूप सरी जापर घंटा पर पौड़ नीति हो तेणु विशेष भाव जब कह तेज समस्त उत्साह रही कि महाप्रभुं नीति देखापे कितु कोविड कटकणा सुप्रीमकोर्ट गाइडलाइंस फल पुलिस प्रशासन पक्ष व्यापक कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण कर श्रीगुंडीचा मंदिर ठूँ आरंभ कर बड़सं पर्यंत संपूर्ण अंचल को कड़ा कटकणा भितर रखा जा विशेष भाव में आज सटडाउन रथर दक्षिण मोड़ अच्छे आसंता काली परवर्ती समय बाहुड़ा जात्रा पाई प्रस्तुति रही बिना भक्त केमी कौन बड़दाण्ड को एथर प्रस्तुत कर रखा जा दक्षिण मोड़ और परवर्ती कार्यक्रम परवर्ती नीति कैमेरा दृश्य देखा ये हूँ जो आप बाली देखुए बड़दाण्ड में जो बाली पड़ी ए बाली ये पक जाए जो पूर्वर बाली थिला एवं तीन रथर मोड़ हो पारा कि एथर एवं पिचु होगला मोड़ बालीर आवश्यकता रही है प्रशासन पक्षर बाली बिछाई दुई दिन तलू ये बाली बिछाई कारण यही अंचल भितर ही दक्षिण मोड़ कारण देखुए सीधा रथ टणा होसपट अंचल को सेठ मोड़ हो अंचल को आसो पुणी एटी मोड़ हो सीधा नाकचणा दिया जेहेतु ये पूरा गोटे यू सेप्र मोड़ रही है तो निहाती भाव जिला प्रशासन और जो रथ निर्माण सेवायत था भई सेवक था परामर्श दे था बाली पकड़ापी जो मैंने रही था विशेष भाव जेहतु भक्त आसबे ना तेणु पुलिस बाहन और सेवायत मैंने दक्षिण मोड़ करने प्रस्तुत हेले कारण से जिला प्रशासन सहित आलोचना करते दक्षिण मोड़ आप देखुए ये जो व्यवस्था कराई ये हूँ एक पारंपरिक व्यवस्था जितने तीन रथ यही मोड़ होकर रही रहा ही आरंभ हम बाहुड़ार प्रस्तुति पर्व तेणु निश्चित पक्षे राज्य सरकार हूँ जिला प्रशासन हूँ और सेवायत भितर उत्तम समन्वय रही चलित बर्ष रथयात्रा कर एवं विशेष भाव में जी कह सेवायत मैंने प्रस्तुत रही महाप्रभु घोषयात्रापी कह प्राय अढ़े हजार तीन हजार सेवायत केन्द्र में कोविड टेस्ट कराई से स्थायी स्वास्थ्य केन्द्र दुईट कर गोटे बागेड़ी गोटे भितर सेवायत निजोग तेणु प्रशासन पक्षर जेको सेवायत हूँ रथ निर्माण सेवक हूँ पुलिस हूँ जो मानकर कोविड नेगेटिव आई माने ही रथ टाणीपर तेणु प्रशासन पक्षर समस्त पौर संस्था कर्मचारी हूँ पुलिस हूँ सेवायत हूँ समस्त कोविड टेस्ट चली भाव में कोविड टेस्ट 25 तारीख आरंभ प्रस्तुति बाहुड़ा जात्रा प्रस्तुति वर्तमान करने आरंभ कर दे जिला प्रशासन और सेवायत मैंने निजक प्रस्तुत कर सारे जेहेतु बिना भक्त एथर रथयात्रा संपादन होमती कौन रथयात्रा को सुरखुरी से संपादित करहब से नहीं समस्त प्रकार प्रस्तुति धन्यवाद परवर्ती खबर को आसिबा पूर्व लद्दाख में भारत चीन सीमार जारी रही उत्तेजनामूलक स्थिति दुई देश मध्य आलोचना तो लगातार चली किंतु ए जाए कौन समाधान रास्ता बाहरी नहीं
ଏମିତିରେ ଏଲ୍ଏସିରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଉଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କେମିତି ଉଭୟ ଦେଶର ସେନା ନିଜ ନିଜ ସୀମାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନ୍ୟ ଠୁଳ କରୁଛନ୍ତି, ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମକୁ ଏକାଠି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସେନା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି, ସୀମାରେ ଲଗାତାର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୈନିକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ କରାଯାଉଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଏୟାରବେସ୍ରୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର C-17 ଗ୍ଲୋବ୍ ମାଷ୍ଟର ଲଦାଖ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଉଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ T-90 ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଏଲ୍ଏସିକୁ ପରିବହନ କରାଯାଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେନା ଛାଉଣି ଏବଂ ଏୟାରବେସ୍ରେ ଗତ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ହେଲା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ହିଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଲଦାଖ ସୀମାକୁ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍, ଆକାଶମାର୍ଗରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଡାର, ଫ୍ରଣ୍ଟଲାଇନ୍ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏବଂ ହେଲିକପ୍ଟର ପଠାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲଦାଖ ସୀମାରେ ପ୍ରାୟ 45,000 ସୈନିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇସାରିଲାଣି। ସମୟ ସରିଛି, ଟପ୍ 5 ଆଟ୍ 5 କୁ 8 ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।